और कहते कि कांग्रेस की टिकट को लेकर के दावेदारे बहुत हो रहे हैं और लोग दावा कर रहे हैं कि फटिया साहब की टिकट है लेकिन दावेदार बहुत उनके बारे में। अब जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की होती उनके थोड़ी चिंता होती है, हमने तो पूरा काम किया है 5 साल तो हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है टिकट की, मतलब जनता ही टिकट है, जिसको जिताना चाहेगी जनता जी। सभी को नमस्कार भाई, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करा कंफ्यूज, फिलहाल शिवानी मंडी के और राजवीर फटिया जी के ऑफिस में पहुंचे हैं। भाई योगेश फटिया हमारे साथ मौजूद है यहाँ, आज इनका डोर टू डोर अभियान है, आइए बातचीत कर लेते हैं। देखिए तो आज उनके सबूतर डोर टू डोर अभियान को लेकर के यहाँ ऑफिस के अंदर आए, आइए पहुंचे, आइए जानते हैं इनसे किस तरह क्या उत्साह, आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। जी राजवीर जी फटिया जो एक जनसेवक के रूप में उभरे हैं लोहारू हल्के के अंदर, किसी से कोई छाने नहीं है, आज का जो क्या किस तरह का क्या कार्यक्रम, थोड़ी जानकारी मांग सकते हैं? आज हम शिवानी के वार्ड 1 और 2 नंबर में डोर टू डोर कार्यक्रम, डोर टू डोर घूमेंगे और उनके कामों के बारे में जानकारी बताएंगे। तो जी क्या कर रहे हो, जिस प्रकार से कहते हैं कि लोहारू हल्का एक वो हल्का है जो आजकल पूरे हरियाणा में सुर्खियों में बना हुआ है और कहते हैं कि कांग्रेस की टिकट को लेकर के दावेदारे बहुत हो रहे हैं और लोग दावा कर रहे हैं कि फटिया साहब की टिकट है लेकिन दावेदार बहुत हैं उनके बारे में। अब जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की होती उनके थोड़ी चिंता होती है, बिल्कुल हमने तो पूरा काम किया है 5 साल तो हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है टिकट की, मतलब जनता ही टिकट है, जिसको जिताना चाहेगी जनता जी। बात करना चाहूंगा जिस प्रकार से अगर बेटियों की बात हो, कोई भी जनसेवा कार्य हो, तो राजवीर फटिया ने आज तक जो कार्य किया है वो काबिले तारीफ, ऐसा कार्य कोई आज तक कर नहीं गया, तो क्या आगे भी ये कार्य इसी प्रकार जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेंगे जी, निस्वार्थ जारी रहेंगे बिल्कुल आने वाले टाइम। हाँ जी भाई साहब क्या कहना चाहोगे, आज का जो कार्यक्रम थोड़ी जानकारी आप विस्तार से दे दें। प्रसिद्ध समाज सेवी भाई राजवीर सिंह फटिया का बेटा योगेश फटिया शिवानी में पहुंचे हैं, शिवानी में कई जगह वार्डों में प्रोग्राम है और प्रसिद्ध समाज सेवी भाई राजवीर फटिया, उनका बेटा योगेश फटिया और डॉक्टर रितु फटिया पूरे लोहारू हल्के में हर दिन हर रोज जनसभा और वार्डो में प्रोग्राम लगातार जारी रहेगा, हरियाणा मांगो हिसाब उसके तहत पूरे लोहारू हल्के के अंदर कार्यक्रम हमारा जारी है लगातार। और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो हरियाणा मांगो हिसाब कार्यक्रम जो कर रखे हैं सभी विधानसभा में, उसके तहत हम भी हमारे लोहारू हल्के में भाई दीपेंद्र के आदेश के मुताबिक पूरे लोहारू हल्के के अंदर हरियाणा मांगो हिसाब कार्यक्रम हमारा जारी है लगातार कर रहे हैं। लोगों की अगर बात करें तो सहयोग कैसा क्या मिल रहा है पूरे हल्के से? लोहारू हल्के से प्रसिद्ध समाज सेवी भाई राजवीर फटिया योगेश फटिया रितु फटिया लगातार 4.5 साल से हमारे समाज के कार्य कर रहे हैं और बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। पहले इन्होंने बस लगाने का काम किया बहन बेटियों के लिए कॉलेज तक निःशुल्क, और जो कन्यादान की हमारी पुरानी मुहिम है उसको चालू करने के लिए लगातार बहन बेटियों के कन्यादान करवा रहे हैं। पहला कन्यादान 5100 रुपए, दूसरा कन्यादान बिन माँ की बेटी 51,000 रुपए, तीसरा कन्यादान बिन माँ बाप की बेटी 1,01,000 रुपए देकर आशीर्वाद दे रहे हैं बेटियों को। और जो हमारे युवा साथी है उनके जो ग्राउंड उबड़ खाबड़ थे उन्होंने डिमांड रखी थी चेयरमैन साहब के पास कि हमारे लिए ग्राउंड लेवल करवाओ जी, भागने के लिए रेस करने के लिए हमारे पास ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। तो प्रसिद्ध समाज सेवी भाई राजवीर फटिया ने 3.25 करोड़ रुपए की मशीन लाकर पूरे लोहारू हल्के में सभी युवाओं के लिए उबड़ खाबड़ ग्राउंड लेवल करवाने का काम किया। और प्रसिद्ध समाज सेवी भाई राजवीर फटिया ने जितनी भी लोहारू हल्के में गौशाला है उन सब में बढ़ चढ़ कर दान देने का काम किया, और खिलाड़ियों के लिए जो टूर्नामेंट होती है गाँव में उसमें पहुंचकर प्रोत्साहन राशि देने का काम किया, जितने भी हमारे पुराने खेल है उसको दोबारा से फिर आगे बढ़ाने का काम किया। अब लोग जितने भी जो खिलाड़ी है हर गांव में बहन बेटियां माताएं उनका रेस करवाने का, बुजुर्गों की रेस करवाने का, युवा साथियों की कुश्ती करवाने का, दौड़ करवाने का, और जो भी खेल है उस खेल को बढ़ावा दिया। अब सभी लोहारू हल्के में जितने भी युवा साथी है ग्राउंड में हर रोज 100-150 जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भाई कार्य की अगर बात करें तो कार्य गिराए नहीं जा सकते, क्योंकि इतने जो कार्य है जो 4.5 साल के दौरान जो राजवीर फटिया ने किए हैं वो काबिल तारीफ, देखना ये होगा कि कितना लोगों का क्या सहयोग मिल पाता है, क्योंकि टिकट की अगर हम बात करें तो टिकट लगभग लगभग इनके कार्यकर्ता जो बता रहे हैं कि कन्फर्म मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि इनका जो डोर टू डोर अभियान है, आइए आगे दिखाएंगे आपको तस्वीरें किस प्रकार के डोर टू डोर अभियान।